हम आप हजरात की खिदमत में मुख्तसर तौर पर वो असबाब बयान करते हैं कि जिनकी वजह से इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलाम ने अमीर शाम माविया से सुलह की। सबसे पहला सबब जो बयान किया जाता है वो ये है कि أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين ناظرين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته हम 15 रमजान المبارك ولادت با سعادت حضرت امام حسن مجتبی علیہ الصلات والسلام کے موقع پر آپ تمام حضرات کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں اور اسی وقت اپنے وقت کے امام हजरत इमाम ज़माना अच्छा अल्लाह ताला फरजो शरीफ की खिदमत में भी हदिया तबरीक पेश करते हैं। खुदावंद आलम इंशाअल्लाह इस माह रमजान मुबारक और इमाम अलैहिस्सलाम की योम विलादत को तमाम मोमिनीन और मुस्लिमीन के लिए बाइस खैर बरकत करार दे। इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत 15 रमजान मुबारक को हुई। ये गुलिस्तान फातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का पहला फूल था जो आपके आंगन में खिला है, जिस पर पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत जहरा और हजरत अली अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा खुश हुए हैं। आपकी विलादत की मुनासिबत से हम मुनासिब समझते हैं कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सुलह के सिलसिले में गुफ्तगू करें। चूंकि बाज लोग ये सवाल करते हैं कि क्या वजूहात थी कि जिनकी वजह से हजरत इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलाम सुलह करने पर आमादा हुए, तो तारीख की वरक गर्दानी से ये बात वाज़ह हो जाती है कि इमाम अलैहिस्सलाम के सामने मुख्तलिफ मसाइल थे कि जिनकी वजह से इमाम अलैहिस्सलाम को सुलह करनी पड़ी। हम आप हजरात की खिदमत में मुख्तसर तौर पर वो असबाब बयान करते हैं कि जिनकी वजह से इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलाम ने अमीर शाम माविया से सुलह की। सबसे पहला सबब जो बयान किया जाता है वो ये है कि इमाम अलैहिस्सलाम के जमाने में हकीकी शियों की बहुत कम तादाद वाकई बची थी, और अगर इमाम हसन अलैहिस्सलाम सुलह न करते हुए जंग करते तो ये शियों की तादाद भी खत्म हो जाती। लिहाजा इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने चाहने वालों की जान की वजह से अमीर शाम से सुलह की। एक दूसरा सबब यह है कि अगर इमाम हसन अलैहिस्सलाम और अमीर शाम के दरमियान जंग होती तो दीन के लिए बहुत बड़ा खतरा था, क्योंकि दुश्मनान खारजी इस्लाम की नाबूदी के लिए कमर बस्ता थे, और अगर इमाम हसन अलैहिस्सलाम जंग करते और सुलह न करते तो असले दीन के लिए खतरा था। लिहाजा इमाम अलैहिस्सलाम ने ऐसे सख्त माहौल में और इख्तलाफात के मौके पर सुलह करके दीन इस्लाम को बचा लिया। और तीसरा सबब जो बयान किया जाता है वो ये है कि अगर इमाम हसन अलैहिस्सलाम सुलह न करते तो खवारिज जो इस्लाम के बदतरीन दुश्मन थे, जो हजरत अली अलैहिस्सलाम के मुकाबले में आ गए, वो इस्लामी ममालिक और इस्लामी शहरों पर काबिज हो जाते और फिर दीन में खवारिज के नजरियात शामिल हो जाते जो बहुत ही खतरनाक थे। जैसा कि आपको मालूम है कि खवारिज खुद इमाम अली अलैहिस्सलाम के मुकाबले में आ गए और इमाम अलैहिस्सलाम से जंग की, लिहाजा इस खतरे की वजह से इमाम अलैहिस्सलाम ने सुलह की। और चौथा सबब जो बयान किया जाता है वो ये है कि लोगों के दरमियान में सियासी बसीरत नहीं पाई जाती थी, उनमें सियासी मामलात के तज्ज़ियो तहलील की बसीरत नहीं पाई जाती थी, वो हक और ना हक को तमीज नहीं दे सकते थे। तो ऐसे में जब माहौल इतना बुरा हो कि लोगों में सियासी बसीरत ना पाई जाती हो तो फिर मजबूरन इमाम अलैहिस्सलाम को सुलह करनी पड़ी। और पांचवा सबब यह बयान किया जाता है सुलह इमाम हसन अलैहिस्सलाम का कि इमाम अलैहिस्सलाम के पास लड़ने वाले सिपाही की तादाद बहुत कम थी और इतने सिपाहियों में भी बहुत से खयानतकार थे, लिहाजा ऐसे में इमाम अलैहिस्सलाम जंग नहीं कर सकते थे बल्कि इमाम अलैहिस्सलाम को मजबूरन सुलह करनी पड़ी। और छठा सबब यह है कि लश्कर के बाद सरदार ऐसे थे कि जो माविया के साथ साजिश कर रहे थे और माविया की तरफ से दिए हुए लालच में आकर इमाम अलैहिस्सलाम से खयानत कर रहे थे, अगरचे जाहिर में वो इमाम अलैहिस्सलाम के साथ थे
लेकिन वो दिल से माविया के तरफदार थे। लिहाजा इमाम अलैहिस्सलाम किस तरीके से ऐसे सरदाराने लश्कर के ऊपर इत्मीनान करते हैं और जंग करते हैं, लिहाजा इमाम अलैहिस्सलाम को सुलह करनी पड़ी। और सुलह इमाम हसन अलैहिस्सलाम का सातवां सबब जो बयान किया जाता है वो ये कि इमाम अलैहिस्सलाम के लश्कर में बाज ऐसे अफराद थे कि जिन्होंने खुद माविया को खत लिखा कि हम इमाम अलैहिस्सलाम को असीर करके 10 बस्ता आपकी खिदमत में पेश कर दें। तो जब लश्कर वाले ऐसे हों तो फिर इमाम किस तरीके से किन के ऊपर भरोसा करके जंग करे? वरना इमाम अलैहिस्सलाम मदीने से जंग के लिए निकले थे, लेकिन जब रास्ते में हालात ये देखे तो इमाम अलैहिस्सलाम को मजबूर होकर सुलह करनी पड़ी। तो इन 7 असबाब से ये बात वाज़े हो जाती है कि इमाम अलैहिस्सलाम के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए इमाम अलैहिस्सलाम ने जंग न करते हुए सुलह की और दीन इस्लाम को बचा लिया, मुसलमानों के खून खराबे को बचा लिया और खवारिज के इस्लामी ममालिक और इस्लामी शहरों पर मुसल्लत होने को बचा लिया। और इस सुलह इमाम हसन अलैहिस्सलाम से एक दर्स हमें भी लेना चाहिए और हमें अपना हिसाब करना चाहिए कि हम किस हद तक इमाम का साथ देने के लिए तैयार हैं। आज अगर हम अपने इमाम के जहूर के लिए दुआ करते हैं तो हमने क्या तैयारी की है? क्या हमारे दिल इस काबिल बन गए हैं कि हम अपने इमाम वक्त का साथ दे सके, दिलो जान से इमाम अलैहिस्सलाम का साथ दें? ये हमारे लिए भी एक चैलेंज है, लिहाजा अभी भी वक्त है कि हम इमाम अलैहिस्सलाम के आने से पहले पहले अपने को हर एतबार से मजबूत बनाए और मुकम्मल तरीके से इमाम अलैहिस्सलाम का साथ देने के लिए तैयारी करें, ताकि जब वक्त का इमाम आए तो हम दिलो जान से इमाम अलैहिस्सलाम की रकाब में रहकर उनका साथ दे सके और दुश्मनान दीन का मुकाबला कर सके। खुदावंद आलम इंशाल्लाह हम सबको तौफीक दे कि हम दीन के रास्ते में मुस्तहकम बने और अपने इमाम के साथ देने के लिए तैयार हों और हम अपनी बसीरत में इजाफा करें, दुश्मन को सही से पहचाने और उसके मकर फरेब से खुद को निकाल सकें। खुदा हक मोहम्मद वाल मोहम्मद हमारे इमाम के जहूर में ताजील फरमा और हम सब को उनके आवानों अंसार में शुमार फरमा। अपना ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।